forever. Namaskar, a very good evening everyone. I am Smriti Rastogi. And I am Sanjeev Kumar. Welcome again to your loved show, Best Friend Forever. So, as assured, इस बार हम शैम्पूज एंड द काइंड ऑफ शैम्पूज जो कि हर तरीके के पेट के लिए हम यूज़ करते हैं या करना चाहिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू नो स्मृति, काफ़ी बार होता है अ लॉट ऑफ पीपल यूज ह्यूमन शैम्पूज फॉर पेट्स, सो आई मीन इट्स अ फैंटास्टिक टॉपिक. दिस इज अ फैंटास्टिक टॉपिक और हमेशा की तरह हम कुछ नया और बहुत प्रॉमिसिंग लेकर के आपके सामने आज आए हैं. शैम्पूज की बात है कि पेट्स के कौन से शैम्पूज, अमूमन मार्केट में सब तरह के शैम्पूज अवेलेबल होते हैं. अब ऐसे में एक पेट पेरेंट के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, एक बहुत बड़ा डाउट हो जाता है कि हम अपने पेट्स के लिए कौन सा शैम्पू लेकर के घर आएं. ऐसे तमाम सवाल हैं जो आज हम हमारे गेस्ट से पूछेंगे और आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनसे आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं. सबसे पहले डॉक्टर अनूप कुमार, ये वेल एक्सपर्ट हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है. और हमारे साथ हैं मिस्टर नरेश तनेजा, ही इज पेट प्रोडक्ट्स एक्सपर्ट, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है. और हमारे दर्शकों से ये रिक्वेस्ट है कि आपके पेट्स से रिलेटेड जो कुछ भी सवाल हो या कुछ ऐसा हो कि स्किन को लेकर के पेट्स की या उनके शैम्पू रिक्वायरमेंट या कुछ भी ऐसे सवाल हो आपके पेट्स रिलेटेड इन जनरल भी, आप हमसे पूछ सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं. हमारा फ़ोन नंबर है 01123097532. आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट से आप अपने सवाल पूछ सकते हैं. और क्योंकि शैम्पू की बात हो रही है कि शैम्पू कौन सा यूज़ करना चाहिए, मार्केट्स में इतने प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, ज़रूरी है ये समझना कि लोगों को, आम लोगों को शैम्पूज़ के बारे में, हमारे पेट्स के लिए शैम्पूज़ के बारे में कितनी नॉलेज है. तो हमारी टीम ने एक बहुत ही खूबसूरत सा पैकेज रिएक्शन लिया है आम जनता से, आइए देखते हैं. आपके पास कोई पैड है? आपके पास पैड है सर? क्या आप शैम्पूज के बारे में जानते हैं? जनरली आई गेस एक पेट के शैम्पूज आते हैं बट आई डोंट रिमेम्बर द कंपनी. स्पा में ही जाते हैं दोनों अपनी हेयर कटिंग एंड ऑयल के लिए, तो पहले घर से ही शैम्पूज जो होते हैं उससे नहला के देन अपनी हेयर कटिंग के लिए बाहर जाते हैं हम लोग. क्या आप शैम्पूज के बारे में जानते हैं? गाँव में नहलाया था एक खाली पानी से, हमने, हम भी नहा रहे थे, पिल्ला था छोटा सा, उसे भी अपने साथ नहला दिया. आपके पास कोई डॉग है? यस, मेरे पास अपना नहीं है लेकिन जो गली में पेट्स होते हैं मैं उन्हीं को अपना ही समझती हूँ. टब में मैं उनको लेटा बिठा देती हूँ, वो बड़ा इंजॉय करके मेरे साथ नहाते हैं और खेलते भी हैं. किसी सोप से भी किसी से भी मैं उनको नहला देती हूँ बट क्लीन रखती हूँ और वो बहुत इंजॉय करते हैं. उसके बारे में जानते हैं? उसमें सबसे पहले तो वो जो आता है ना एंटी करके आता है, जो कीटाणु जो होते हैं वो छोटे छोटे जो टिक टिक एंड फिल्स, तो उसका ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि वो बहुत इफेक्टिव होता है. फोमिंग शैम्पू टाइप कुछ था, उससे उसको वो ब्रश करके नहलाया जाता था, यू यूज टू इन्जॉय दैट. सो उसके बाद क्या होता था मुझे खास नहीं पता. लाइक फोमिंग मतलब सोप है हमारे पास और शैम्पू भी है उसका, प्लस एक एंटी बैक्टीरिया उस कोई अलग से आती है उनकी मेडिसिन वो भी है. नॉर्मली पानी डालूंगी, ऐसे हल्का हल्का मसाज करूंगी मैं उसको सब जगह पे और फिर पानी से नहलाऊंगी. ऑब्वियसली उसके मुंह पे सोप नहीं लगेगी. इंसानों से ज़्यादा अब डॉग्स क्यूट लगने लगे हैं. जब उनको बात कराना होता है आप कुछ उसके बारे में जानते हैं कि उनको एक पर्टिकुलर शैम्पू से नहलाना चाहिए या हमें जनरली? दिया इतना तो मैं भी नहीं कर पाता, हाँ पर कई बार जब मेरा मन करता है ना तो ऊपर उनके लिए टब रखता हूँ, उनके अंदर उनको हिलाता हूँ, छोटे छोटे से पिंड उनको फोटो भी दिखा सकता हूँ मैं आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं, अपनी गली में रहते हैं. कोई पर्टिकुलर शैम्पू होता था जिससे आप अपने पैर को नहलाते थे, बर्ड को नहलाते? सर आपके पास कोई पैड है? यार ये क्या नहीं है? आपके पास कोई डॉग? नहीं नहीं वो नहीं है. भैंस वगैरह सब है, गाय बैल सब है, हाँ बकरी वगैरह सब है, गांव में हो. काफ़ी हैप्पी होते हैं जब नहाते हैं, हम भी नहाते हैं तो वो भी साथ में नहाते हैं तो कुछ हैप्पी, हमारे साथ भी वो खेलकूद करते हैं, हम भी उनके साथ खेलकूद करते हैं, हैप्पी होते हैं. आपके पास कोई डॉग है? मेरे पास वो फालतू ही है,
मैं जंगली हूँ। आपके पास कोई डॉग है? साफ रखने के लिए तो नहलाना है, शैम्पू वैम्पू कराना है उसका, बाकी ज़्यादातर उसको बाहर नहीं लेके जाते थे, वो घर में ही रहती थी। आपके पास कोई डॉग है? बच्चे की वजह से नहीं रखा है मैंने। पानी ज़्यादा हॉट नहीं होना चाहिए उसको, हम लोग तो ठंडे एरिया से सिक्किम से, थोड़ा सा हल्का सा पानी गर्म करके उसके बाद नहलाते। आपके पास पेट है क्यों? मेरा भाई जो खरीदता है वो यूज़ कर देता है, खुद का नहीं पता था कौन सा शैम्पू, मैं तो रैंडमली उठा लेता हूँ, तो डॉग्स का तो बिल्कुल भी नहीं मालूम। उनके जो रिक्वायर्ड जो भी शैम्पूज होते हैं वो सारी चीज़ें विल गेट दोज। What a fantastic package the team has prepared and काफ़ी interesting है and इसी के साथ में स्मृति हमारे साथ एक pet जुड़ रहे हैं हमेशा की तरह और ये मुझे लगता है एक सबसे खूबसूरत aspect है हमारे show का कि हम न केवल pets के बारे में बात करते हैं मगर इस मंच पर हम pets को बुलाते भी हैं। तो आज हम इंट्रोडक्शन करा रहे हैं संजीव। Definitely, so we have got a beautiful boxer that is joining us. तो इनका नाम Zeus है and Zeus is there with us and you can see. So boxer is one of the breeds जो कि काफी, I mean it's a very friendly breed, right, Ravi ji? My previous pet was again a boxer. Right. And his name was Zinger and we wanted to have a same look. Detailed right. dog, so we hunt for it and we finally got it, and we gave the same name to him. Right, but he was not keeping well, and we thought maybe Zinger there is thinking that how can you use my name to, how can you give my name to him? Right, you know, right. I'm the only person. So then we all decided that we will have the name starting with Z only. So then Zeus was the word which came into our boxers. So he's a very, 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 very good marking also. Very so good. Boxers, Dr. Saab, marking is very, very important. Agar hum boxers ke bare mein Dr. Saab baat karenge, so what are the one or two things jo aap bolna chahenge ki boxers ke health ko leke dhyan rakhna chahiye? They are very hyperactive breed. Bahut is mamle mein to khelne ke mamle mein koi lajawab hai, inki paas koi jawab nahi hai. But kuch cheeze hain jo hame dhyan rakhni chahiye. सबसे बड़ी चीज़ है कि दे स्किन प्रोन डिजीज़ के लिए बहुत प्रोन होते हैं, स्किन प्रॉब्लम्स के लिए। और दूसरा है कि एक ओल्डर एज में दे हैव गॉट सम हार्ट प्रॉब्लम्स और कुछ बोन के इश्यूज होते हैं, लेटर स्टेजेज में होते हैं। बट उसके लिए हमेशा हमें टेक केयर करते रहना चाहिए। और बिकॉज फ्लैट नोज होता है तो हमेशा बाहर आप ले जाते हैं जब भी इसको घुमाने के लिए कुछ भी, तो प्रॉपर वाटरिंग वाटर रिक्वायरमेंट उनकी होती है फुलफिल करना। और खासकर आजकल समर सीजन है तो गर्मी में खासकर बहुत ध्यान रखना है, हीट स्ट्रोक के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हमें इन बातों का भी ध्यान रखना है। एंड लेट मी शेयर विद द व्यूअर्स, बॉक्सर एक इकलौता ब्रीड है, काफ़ी सारे ब्रीड्स हैं जो फ्रेंडली हैं, लेकिन बॉक्सर जो है वो डेफिनेटली इज वन ब्रीड जो कि बहुत प्रोटेक्टिव होता है चिल्ड्रंस के साथ में, बच्चों के साथ बहुत ही प्रोटेक्टिव होता है, इट्स अ वेरी गुड फैमिली डॉग एंड हम उसको ट्रेन भी कर सकते हैं बहुत अच्छे गार्ड डॉग में। नरेश जी, शैम्पूज क्या रिकमेंड करेंगे आप बॉक्सर्स के लिए? देखिए, स्किन जो है हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है, तो जितने भी शैम्पूज बनते हैं उनमें जो डिटर्जेंट डलता है वो है सल्फेट्स। तो आपके लेबल पे देखेगा आपको SLES, SLS, इन शॉर्ट सल्फेट्स। दिस इज अ बेसिकली इंजन डीग्रीसिंग एंड गैरेज फ्लोर क्लीनिंग एजेंट्स, तो बड़े हार्श है केमिकल्स ये। इसका साइड इफेक्ट्स ये है, आई इरिटेशन एंड स्किन इरिटेशन। अब आई इरिटेशन आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा, कभी फेस वॉश भी यूज कर रहे हैं आप तो आपको आई इरिटेशन हुआ होगा। आप कहेंगे मुझे स्किन इरिटेशन नहीं हुआ, चलिए आपको हम आपकी बात मान जाएंगे, लेकिन पेट के केस में तो पूरी बॉडी पे शैम्पू लग रहा है, हमारी सिर्फ स्कैल्प पे लग रहा है, हम 2-3 मिनट में धो देते हैं, बट उसके तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है जी। तो हम आई इरिटेशन एक्सपीरियंस करते हैं, स्किन इरिटेशन शायद हम नहीं करते, बट पेट्स दोनों एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कुछ पेट्स को शायद कुछ भी नहीं होगा, कुछ पेट्स को इचिंग होगी और कुछ पेट्स को इतनी इचिंग हो सकती है कि शायद वो खाना ना खाए। बिल्कुल बिल्कुल नो, बट अगर हम बोलें कि व्हाट काइंड ऑफ शैम्पू, शॉर्ट कोट शैम्पू और लॉन्ग कोट शैम्पू, आई मीन व्हाट डू यू रिकमेंड? आप बेसिकली देख लीजिए कि उस पर सल्फेट फ्री लिखा है कि नहीं, क्योंकि अगर किसी ने सल्फेट फ्री शैम्पू बनाया है तो लेबल पे जरूर क्लेम करेगा। परफेक्ट परफेक्ट, सो दैट्स व्हाट्स योर रिकमेंडेशन इज। रवि जी, आपके पास एक, यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल पेट एंड विश हिम लॉन्ग लाइफ and thank you so much for being here. Thank you so much. And accidentally he's the doctor who is taking care of him. That's really brilliant. All the very best, please. Okay, thank you so much. Thank you. Ab shampoo ki hum baat kar rahe hain, right kind of shampoo, kyunki market mein to obviously itne shampoos available hain,
घर पर शैम्पू करना कितना जरूरी है और कितना फ्रीक्वेंटली करना चाहिए या कितना गैप होना चाहिए? डॉग्स की स्किन जो होती है नॉट लाइक ह्यूमन बीइंग्स, इनकी स्किन बड़ी यूनिक होती है, दे डोंट हैव स्वेट ग्लैंड्स, तो इनके सेबेसियस ग्लैंड्स होती है। सेबेसियस ग्लैंड्स के एक फीचर होता है दे सिक्रीट ऑयल्स होती है, नेचुरल ऑयल्स होते हैं जो बॉडी पे एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं और दे आर एंटी माइक्रोबियल नेचर, तो स्किन के इन्फेक्शन को भी ये लोग बचाते हैं। तो फ्रीक्वेंटली आप वॉश करते हो, चाहे वो शैम्पू लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो, सिर्फ वाटर भी यूज कर रहे हो, तो यू वॉशिंग द ऑयल, तो हमें फ्रीक्वेंटली वॉश नहीं करना चाहिए, नहलाना नहीं चाहिए डॉग्स को, और प्रेफर करना चाहिए 4 to 5 weeks मिनिमम रिकमेंडेशन है। तो अगर बहुत गंदा हो रहा है तो यू कैन गो फॉर द बाथ, बट स्टिल तो फ्रीक्वेंटली बेदिंग इज नॉट गुड आइडिया फॉर द डॉग। अच्छा, हमारे पास डॉक्टर साहब एक कॉलर भी जुड़ रहे हैं इस वक्त। आई एम ऋषु फ्रॉम जयपुर, आई हैव अ डॉग एंड शैम्पू से रिगार्डिंग मुझे ये पूछना है कि जैसे कई बार शैम्पू स्किन को ड्राई कर देता है काफी, मेरे हाथ ही ड्राई हो जाते हैं एंड डॉग को फ्लेकीनेस आ जाता है कई बार, तो जैसे हम ऑयलिंग करते हैं अपने बाल धोने से पहले, तो क्या डॉग्स को भी ऑयलिंग करनी चाहिए एट होम? सो डॉक्टर साहब, ऑयलिंग तो बहुत अच्छा सवाल था और करना भी चाहिए, मेरे हिसाब से नहलाने के एक दिन पहले इफ यू आर गोइंग फॉर द कोई किसी तरह का ऑयल, आजकल बहुत सारे आते हैं पेट्स के लिए भी अवेलेबल है मार्केट में, तो अप्लाई करें, अच्छे से मसाज करें, स्कैल्प मसाज बहुत अच्छा होगा। समर्स में क्या कुछ करना चाहिए कि हम अपने पेट्स की केयर ज्यादा बेटर रख पाए? देखिए, अभी आपने बात किया था कि कितना फ्रिक्वेंटली नहलाते हैं या सैलून नहीं लेके जा सकते बार बार, हम शैम्पू बनाते हैं, मेरी वाइफ उन शैम्पू से डॉग्स को नहलाती थी, लेकिन एक बार जब उसने सैलून में भेजा तो उसके बाद उसने घर में नहलाना बंद कर दिया, क्योंकि घर में आधा घंटा पौना घंटा आपको कमर टेढ़ी करके डॉग को वॉश करना बहुत मुश्किल है। फिर उसके बाद में जब सैलून में जाता है तो वो नेल कटिंग भी कर देते हैं जो हम घर में नहीं कर सकते, ईयर चेक कर लेते हैं, तो वो सारी चीजें घर में हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। मगर मैं इसी के साथ साथ आपसे पूछूंगी कि क्योंकि हमें एक कॉस्ट इफेक्टिव वे भी सोचना होगा, क्योंकि हर बार ग्रूमिंग सेंटर पे तो ऐसा कुछ ऑप्शन भी मुझे लगता है दर्शक हमारे जानना चाहेंगे जो उनको कॉस्ट फ्रेंडली भी पॉकेट फ्रेंडली भी हो। ठीक है, देखिए जैसे उन्होंने रेस किया स्किन ड्राई हो जाती है, डॉक्टर साहब ने बोला कि उनके अंदर स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते, तो जो सल्फेट फ्री शैम्पू है उसकी और खासियत है वो हार्श नहीं है, ज्यादा ड्राइनेस नहीं करते स्किन को। पॉपुलर क्यों नहीं हो रहे सल्फेट फ्री शैम्पू? क्योंकि जो सल्फेट्स वाले शैम्पू हैं वो फोमिंग बहुत ज्यादा करते हैं। राइट, सल्फेट फ्री शैम्पू इतनी फोमिंग नहीं करते, तो शायद ये हमको बताने की जरूरत है कि आप फोम के पीछे ना जाए, रादर जो शैम्पू फोम कम बना रहा है सल्फेट फ्री शैम्पू वो आपके लिए बेटर है। तो कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे आपको शैम्पू कभी जज नहीं करना है। इसके साथ हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं। चैलेंज बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी सर, मेरा क्वेश्चन है कि मेरे डॉग को बड़ी ड्राइनेस हो रही है, तो मेरे पास राइट काइंड ऑफ शैम्पू क्या होगा जो जिससे मैं वो ड्राइनेस कम हो सके? आपका पेट का ब्रीड भी बताइए प्लीज। जर्मन शेपर्ड। जर्मन शेपर्ड है और ड्राइनेस हो रही है गर्मी के समय में। डॉक्टर साहब, ड्राइनेस इज नॉट अ यूजुअल थिंग? ड्राइनेस ही यूजुअली हम लोग विंटर्स में देखते हैं, समर्स में ड्राइनेस नहीं आती। डेफिनेटली देयर विल सम काइंड ऑफ स्किन इश्यू, उनको एक बार वेट से अपने कंसल्ट करना चाहिए, बट हमारा जो भी जवाब होगा इसके लिए इनको मैनेजमेंटल एस्पेक्ट भी अपने ध्यान देना चाहिए, कितने ज्यादा इन कोम करते हैं प्रॉपरली, डेली ब्रशिंग करते हैं कि नहीं करते, अगर ब्रश नहीं कर रहे हो कोम नहीं कर रहे हो तो स्किन में डिटैंगलिंग होती है, मतलब बहुत सारे मेसअप हो जाता है बाल आपस में। बिल्कुल बिल्कुल, एंड फिर वो मतलब हवा अंदर तक नहीं पहुंचती और प्रोबेबली यू आर सस्पेक्टिंग योर स्किन इशू। प्लीज आप अपने लोकल वेट को कंप्लेन यू नो जस्ट गेट अ चेकअप डन एंड वो आपको बेटर गाइड कर पाएंगे। तनिजा जी, आपसे मैंने सवाल पूछा था तो आप प्लीज बताइए। देखिए, सल्फेट फ्री शैम्पूस जैसे हम बात कर रहे थे वो बहुत माइल्ड होते हैं, सॉफ्ट होते हैं स्किन के ऊपर। जी, अब हम कुछ मिस्टेक्स करते हैं शैम्पू बाय करने के टाइम। एक तो हम उसकी बॉटल और पैकेजिंग के बेसिस पे प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, तो मैं आपसे पूछूंगा क्या आप अपना जो सर्जन चूज करते हैं उसकी लुक्स देख के चूज करते हैं? वेरी राइटली पुट ओवर दैट। तो इस सेम वे आप शैम्पू की ना पैकिंग के बेसिस पे उसको चूज ना करें। दूसरा, हमारी ये नॉर्मल धारणा है कि महंगा है तो बेटर होगा। कल रात को मैं अपने नेफ्यू से यूएसए में बात कर रहा था, तो वहां पे एक इंडियन ड्रिंक थी कोल्ड ड्रिंक, वो $3 की थी और जो पॉपुलर ब्रांड्स हैं वर्ल्ड ओवर वो 30-40 cents के थे। क्या मैं यूएसए में खड़ा होकर ये कंक्लूड करूं कि वो इंडियन ब्रांड क्योंकि वो महंगा है इज ए बेटर प्रोडक्ट देन व्हाट इज चीपर? नो, जो भी चीज इंपोर्ट होके इंडिया में आएगी वो महंगी होगी।
उसकी जो कॉस्ट बढ़ी हुई है इट्स नॉट बिकॉज के उसके अंदर कुछ ज्यादा अच्छे इंग्रेडिएंट्स जले हुए हैं। तो एक इंपोर्टर है उसको बहुत इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, इन्वेंट्री ज्यादा रखनी पड़ती है। तो एक आपने सल्फेट फ्री का बोला, एक आपने बोला पैकेजिंग मत देखिए, जरूरी नहीं कि कोई चीज अगर महंगी हो तो वो अच्छी भी हो, आप इंग्रेडिएंट्स देखिए। थर्ड आप क्या पॉइंट बताएंगे? मैं प्राइसिंग में थोड़ा सा और बोलना चाहता हूँ। जो प्रोडक्ट सस्ते वाले हैं जी, वो इसलिए हैं बिकॉज दे वांट टू रीच टू ऑल कस्टमर, उनको आप घटिया मत समझिए। ऑब्वियसली वी हैव टू बी केयरफुल कि अगर आप सिलेक्शन कर रहे हैं तो अतरीजा जी ने बहुत सही तरीके से रैप अप किया है। ह्यूमन शैम्पूज कई बार होता है कि ह्यूमन सोप, एक पर्टिकुलर ब्रांड का सोप हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, बड़ा अच्छा लगे, बहुत अच्छा खुशबू है और कभी कभी ये लगता है कि यार यही शैम्पू है, कौन मार्केट से लेकर के आएगा, यही शैम्पू से नहला देते हैं। तो डॉक्टर साहब अगर यही जो खुद पे जो शैम्पू या खुद पे जो हम साबुन यूज कर रहे हैं वही साबुन या वही शैम्पू हम पेट को भी उसी से नहला देंगे तो क्या साइड इफेक्ट्स हैं, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अमूमन घरों में ये चीज हो रही होगी, अगर हो रही है तो उसको वहीं पर रोक दिया जाए। बिल्कुल, बहुत ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि जो ह्यूमन की स्किन का पीएच होता है वो टुवर्ड्स एसिडिक होता है और डॉग्स का टुवर्ड्स अल्कलाइन एंड न्यूट्रल होता है। तो जब भी हम अपने शैम्पू को यूज करते हैं तो दैट इज एसिडिक शैम्पू हम यूज कर रहे हैं अपने पेट्स के ऊपर, तो एसिड साइड इफेक्ट क्या होते हैं, बर्निंग होना, इरिटेशन होना, इचिंग होना, दुनिया भर की स्किन प्रॉब्लम्स होने, ये सारी चीजें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली हम बता सकते हैं लेकिन पेट्स बता नहीं पाते, सो दे कांट एक्सप्रेस इन दैट मैनर। तो स्किन की एलर्जीज बहुत कॉमन होती है अगर इस तरह के हम लोग गलतियां करते हैं तो। अच्छा, कई बार ये होता है कि हमारे पेट्स की स्किन इची है या टैंगल्ड है उनके कोट, या कई बार ये होता है कि बहुत स्मेल आ रही है, बहुत एक्सेसिव ओडर हो रही है, तो उसमें क्या करते हैं लोग, अक्सर देखा गया है कि उसको रेगुलर बेदिंग, हर दूसरे तीसरे दिन शैम्पू देना कि स्मेल बहुत आ रही है चली जाए, तो उसमें क्योंकि आप कॉस्ट इफेक्टिव तरीका अपनाते हैं तो जो कुछ भी मिल रहा है बस ये कि चमका दो और टेम्प्ररी रिलीफ मिल जाए, बट वो लॉन्ग रन के लिए काफी आपके लिए साइड इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब इस पर थोड़ा सा इलैबोरेट करें। मैम बिल्कुल आपने सही कहा कि नहलाने के जो हम जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं नहला के, वो प्रॉब्लम को और बढ़ा रहे हैं, एग्रेवेट कर देता है। तो बेटर है कि जो रीजन हमें समझना पड़ेगा, अगर वो जो स्मेल आ रही है वो सेबम स्मेल है, जरा सिक्रीट हो रहा है स्किन के अंदर, सेबम सिक्रीट होते हैं बहुत ज़्यादा होने लगते हैं, बहुत बार ऐसा होता है स्किन के इन्फेक्शंस में, तो हमें उसका बेसिकली उसको ट्रीटमेंट करना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय उसको नहलाने के। तो बेटर है कि आप किसी उस समय वेट को कंसल्ट करें कि हमारे डॉग को प्रॉब्लम एग्जैक्टली है क्या, स्किन का इशू क्या है इसको, जिस तरह से जो इचिंग कर रहा है या उसको सेबम प्रोड्यूस हो रहा है, स्मेल जो आ रही है, तो उसको टेक केयर, मतलब मेडिसिनल ट्रीटमेंट की स्किन कंडीशन समझना बेहद है। So, कारण क्या है बेसिकली, सो यू नो अपने दर्शकों से मैं शेयर करना चाहूंगा, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि खाली जो स्मेल फैक्टर है वो हो सकता है कि नहलाने से रिलेटेड है ही नहीं और आप बार बार नहला रहे हैं, सो देयर कुड बी 3-4 पॉइंट्स जो कि आप वेट को कंसल्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि दांतों का स्मेल हो और आप उससे कंफ्यूज कर रहे हो सकता है कान में इन्फेक्शन हो या स्किन इन्फेक्शन हो गया हो या एनल ग्लैंड्स भी कई बार सीक्रेट करते हैं जिसके वजह से ये स्मेल का फैक्टर रहता है एंड पीपल कंफ्यूज इट, नहला रहे हैं कि स्मेल ना आए कहीं पर, मतलब कोई ऐसी एम्बैरेसिंग सिचुएशन ना खड़ी हो जाए, तो अपना भी शैम्पू यूज कर रहे हैं, ह्यूमन सोप भी यूज कर रहे हैं कि स्मेल चली जाए, मगर जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने भी बोला कि वो कोशिश आपकी रहती है रिस्पाइट देने की, मगर वो एक नई कंडीशन क्रिएट कर देता है। अच्छा, एक स्पेशल सेगमेंट रहता है संजीव हमारा, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर सेगमेंट्स है जिसमें हम कई तरह के मिथ्स को बस्ट करने की कोशिश करते हैं। आज भी एक ऐसे ही मिथ बस्टर पैकेज है हमारे पास, आइए नजर डालते हैं। कॉकटूज, कॉकटूज कैन डांस टू म्यूजिक। जी हाँ, ये सच है, म्यूजिक और डांस हम सबको अच्छा लगता है, बट एनिमल्स के लिए ये बहुत स्ट्रेंज बात है। Your dog will never bob his head to a song, but cockatoos love doing just that. They can understand a beat and move and sing along the same way as humans. Cockatoos are mimicking birds. Cockatoos bahut social birds hote hain, craving human attention and company. Attention ke liye wo kuch bhi karenge, making noises, squawking or just acting silly. And once they know they've got it, they will bob their heads, kick their legs, lift the crest and spread their wings like a true star. Myths and facts. So there was a fact element related with the myths around the facts. Absolutely. So what a beautiful package that was. Taneja ji, agar hum aur baat karenge, short coat shampoo, matlab short coat agar pets ka hai,
तो क्या उनके लिए अलग शैम्पू होने चाहिए, या लॉन्ग कोट का है तो अलग होना चाहिए, या मीडियम कोट का है, या वाइट या डार्क, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ शैम्पूज अवेलेबल. सो ये सारे पैरामीटर्स आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि देयर आर सम मार्केटिंग, इट कुड बी मार्केटिंग गिमिक्स बट इट कुड ऑल्सो बी यस अ रिक्वायरमेंट. या देखिए जो लॉन्ग कोट है उसमें थोड़े चांसेस रहते हैं कि हेयर डिटेंगल हो जाए, तो उसमें थोड़ा हम मॉइस्चर वगैरह ज़्यादा डालते हैं. उसके अलावा जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि उनके अंदर स्वेट ग्लैंड्स नहीं है, हमारे अंदर स्वेट ग्लैंड्स हैं. मैंने शैम्पू किया और मैंने कोई ऑयल नहीं लगाया या कोई कंडीशनर नहीं लगाया तो भी मेरे को पसीना आएगा, दो तीन दिन में मेरे बाल ठीक हो जाएंगे जी. बट डॉग को पसीना नहीं आएगा, तो डॉग के अंदर कंडीशनर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एज कम्पेयर टू ह्यूमन बींग्स, बिकॉज उनका पोस्ट शैम्पू ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो रहा है. और जब स्किन ड्राई होगा तो फिर पता नहीं किस तरह प्रॉब्लम्स आएंगी आपको. तो शैम्पू के बाद में एक आप कंडीशनर जरूर लगा दें. जैसे ह्यूमन बींग्स को हम अपने हेयर वॉश करते हैं, पहले उससे पहले ऑयलिंग करते हैं, फिर हेयर वॉश करते हैं, फिर कंडीशनिंग करते हैं, फिर हम कभी कदार सिरम भी लगाते हैं. तो प्रोडक्ट्स डिफरेंट होते हैं मगर प्रोसीजर, मुझे लगता है आप सब इस बात पे अग्री करेंगे, प्रोसीजर सेम रहता है. तनीजा जी, हाँ प्रोसीजर सेम है बट थोड़ा सा प्रोडक्ट्स डिफरेंट, प्रोडक्ट्स डिफरेंट हैं. अब जैसे आप अपने शैम्पू कर दिया, उसके बाद कंडीशनर लगा दिया, और अगर उसके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं तो बेशक शैम्पू से पहले भी हेयर स्प्रे कर दीजिए, ऑयल स्प्रे का होता है वो, शैम्पू के बाद भी कर दीजिए. तो ड्राइनेस के हिसाब से आप अपना नीड सॉल्व कर सकते हैं. ये दो तीन प्रोडक्ट्स हैं जो आपके सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे. बाकी आपने कहा कलर बेस्ड भी होते हैं, स्पेशली जो वाइट डॉग्स हैं उनका कोट विद टाइम थोड़ा येलो पड़ जाता है, यूरिन के स्टेन्स हैं, पॉल्यूशन एक्सेट्रा है. तो एक शैम्पू आता है जो उसके व्हाइट कोट को वैसा व्हाइट कर देगा जैसा वो पैदा होने पर था, और बाकी कलर्स को ब्राइट कर देगा, और ये विजिबल डिफरेंस होता है, आपको एक ही वॉश में पता चल जाएगा डिफरेंस. तो बहुत ही अच्छी बात है. मुझे लगता है जो लोग अपने पेट्स के फर के कलर्स को लेकर के टेंशन में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, उनकी दुविधा अब खत्म हो गई क्योंकि तनेजा जी ने सोल्यूशन अब बता दिया. डॉक्टर साहब आपसे भी मेरा सवाल, एक आखिरी सवाल रहेगा ये कि क्या एज के अकॉर्डिंग भी हमें शैम्पू चूज करना चाहिए, चाहे अगर हम छोटे पपी को लें या बड़े फुल ग्रोन डॉग को लें, तो उसमें वेरिएशन होता है क्या शैम्पू उसका? इतना बहुत बड़ों में तो बहुत ज़्यादा नहीं होता, बट पपीज़ के लिए थोड़ा सा माइल्डर शैम्पू हम लोग यूज़ करते हैं, बिकॉज पपीज़ की स्किन इतनी डेवलप नहीं होती, बड़ी ही सॉफ्ट होती है बेसिकली. तो हम लोग वहाँ जो शैम्पू यूज करें तो जेंटल और माइल्ड शैम्पू होते हैं बेसिकली, मार्केट में तो आजकल बहुत सारे हैं, तो ऐसे शैम्पू यूज करें जो माइल्डर हो. और बिल्कुल जैसे सर ने कहा जी, तो इनके ड्राई शैम्पूस भी आते हैं, फोम शैम्पूस भी आते हैं. जैसे पपीज को आपने क्लीन करना है तो आप वाटरलेस शैम्पू, फोम शैम्पू आता है उससे बिल्कुल, सो इट्स नॉट नेसेसरी टू गिव अ वेट बाथ, फोम शैम्पूस भी यूज कर सकते हैं. और दूसरा एडल्ट डॉग्स में भी इन बिटवीन द बाथ कोई पैच गंदा हो गया, आपके घर में आ रहे गेस्ट आ रहे हैं, तो उस फोम शैम्पू से आप क्लीन कर सकते हैं. ओल्ड जो हमारे डॉग्स हैं उनको आप नहीं लाना चाहते हैं तो फोम शैम्पू यूज कर लीजिए, बीमार है तो आप फोम शैम्पू यूज कर लीजिए. और ये फोम शैम्पू ऑप्शन आई थिंक है ना, ये जो शैम्पूस हैं जो ड्राई शैम्पूस हैं ये बॉडी के अंदर रह जाते हैं. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कम से कम ये सल्फेट फ्री जरूर हो, सल्फेट फ्री, क्योंकि इस पे जोर दिया गया है सल्फेट फ्री शैम्पूस पर. तो प्रोडक्ट्स बहुत सारे, एक बार वेट से भी कंसल्ट कर लें, और तनीजा जी ने काफी इनसाइट्स तो दे ही दिए. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, इट वाज अ वेरी वंडरफुल डिस्कशन. और जितने भी हमारे ऑडियंस के सवाल हैं, आज सवाल भी बहुत आए हैं, और शैम्पू को लेकर के जो दुविधाएं हैं, जो डाउट्स थे, वो भी काफी हद तक क्लियर होंगे, ये उम्मीद है हमारी. हमारे व्यूअर्स से हमारी एक और रिक्वेस्ट है कि हमारे शो को लेकर आपके कोई भी फीडबैक, सजेशन हो, या आपने पेट का कोई फनी वीडियो या पिक्चर हो, उसको आप हमें भेजिए, हम यहाँ पर अपने शो में उसे दिखाएंगे. हमारा ईमेल एड्रेस है bestfriendforeverpets@gmail.com. आप इस पर अपने फीडबैक, सजेशन, अपने पेट्स के फनी पिक्चर्स, वीडियोस भेज सकते हैं. There are so many mails that have come in all across from India, and kuch to Smriti bahar se bhi humare ko mails aa rahe hain India ke bahar se. We are watching the program on the social media. We will take up a very very interesting topic and will be with you next week again. And till then, you love your pets, respect animals, love them to the fullest, and best friend forever.